नमस्कार, मैं हूं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। साल 2022 में विधानसभा चुनाव है, सभी सियासी पार्टियां जोर लगा रही हैं और ऐसे में इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जनता के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि नेताजी ने 5 साल में आखिरकार क्या क्या किया, वो वादे किए उसे पूरा किया या नहीं, जनता का आखिरकार इस पर मिजाज कैसा है, इस बार नेताजी के काम का होगा पूरा हिसाब किताब। और इसीलिए हम लेकर के आए हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको वाराणसी उत्तर प्रदेश लेकर के चलेंगे और दिखाएंगे कि नेताजी ने आखिरकार धरातल पर क्या कुछ किया है। चलिए शुरुआत करते हैं। शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई काशी में आज विकास की गंगा बह रही है। पौराणिकता के साथ साथ आज काशी आधुनिकता की रेस में फर्राटा भर रही है। 22 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बात वाराणसी की सबसे पहले प्राइम सीट उत्तर के विधायक रविंद्र जायसवाल की करेंगे। सही मायने में धर्म की नगरी काशी में आजादी के बाद से अगर आपसी प्रेम और भाईचारे वाला कोई विधानसभा का क्षेत्र रहा है तो वो है शहर उत्तरी का ही रहा है। रिपोर्ट कार्ड देखिए। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी, विकास की बह रही काशी में गंगा, बदला चेहरा बदली तस्वीर। शिव के त्रिशूल पर टिकी काशी में आज विकास की गंगा बह रही है। पौराणिक के साथ आज काशी आधुनिकता की रेस में फर्राटा भर रही है। 22 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज एमएलए का रिपोर्ट कार्ड में बात वाराणसी की सबसे प्राइम सीट उत्तर के विधायक रविंद्र जायसवाल की। सही मायने में धर्म की नगरी काशी में आजादी के बाद से अगर आपसी प्रेम और भाईचारे वाला कोई विधानसभा रहा है तो वो शहरी उत्तरी का ही रहा है। भारी तादाद में मुस्लिम आबादी होने के बाद भी यहाँ ज्यादातर भगवा ब्रिगेड का ही परचम लहराया है। शुरू से ही जनसंघ के साथ कांग्रेस की टक्कर यहाँ होती रही तो फिर बीजेपी के साथ वाराणसी उत्तर सीट पर आधा दर्जन से ज्यादा यहाँ भगवा ब्रिगेड का ही कब्जा रहा। साल 2012 में वाराणसी उत्तर सीट का समीकरण बदला तो मुस्लिमों की बड़ी आबादी दक्षिण विधानसभा में चली गई। मोदी लहर के पहले से ही शहर उत्तरी पर पिछड़ी जाति से बीजेपी के भरोसेमंद जिताऊ नेता रविंद्र जायसवाल का ही कब्जा रहा। बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल के पास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, स्टाम्प, न्यायिक, शुल्क एवं निबंधन विभाग है। वाराणसी या काशी की दुनिया के सबसे प्राचीन नगरी में गिनती होती है। वाराणसी में कुल 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें से एक उत्तरी विधानसभा शहर की मुख्य विधानसभा है, जो न केवल शहरी इलाकों के साथ वरुणा के भी काफी हिस्सों को समेटे हुए है। आजादी के बाद से ही इस सीट पर भगवा ब्रिगेड का कब्जा रहा है। 1951 से 2017 के बीच 19 विधानसभा चुनाव में 3 बार भारतीय जनसंघ तो 5 बार बीजेपी का कब्जा इस सीट पर रहा है, तो वहीं 5 बार कांग्रेस और 4 बार लगातार सपा काबिज रही है। सपा के काबिज रहने के दौरान ये सीट सपा की पक्की सीट मानी जाती थी, लेकिन 2012 से लगातार बीजेपी के रविंद्र जायसवाल इस तिलिस्म को तोड़ते चले आ रहे हैं जो आज भी कायम है। वोटरों के लिहाज से यहां कुल 4,03,325 मतदाता हैं, जिसमें 2,22,125 पुरुष तो महिला मतदाता 1,81,162 हैं। कभी मुस्लिम बाहुल्य सीट रही वाराणसी उत्तर में आज हिंदू वोटर्स का जलवा है। यहां हिंदू वोटर्स की संख्या 2,55,000 और मुस्लिम वोटर्स 1,45,000 हैं, जबकि वैश्य 60,000, ठाकुर 50,000 और कायस्थ 30,000 और अन्य शामिल हैं। वाराणसी उत्तर से विधायक रविंद्र जायसवाल उस वक्त चर्चा में आए जब इन्होंने बतौर विधायक वेतन नहीं लेने का ऐलान किया था और अभी तक नहीं ले रहे हैं।
शहरी उत्तरी कारोबारी क्षेत्र है, इसलिए बीजेपी विधायक रविंद्र जायसवाल की पकड़ अपने क्षेत्र के लगभग 60,000 वैश्य वोटरों में तो है ही, बाकी अन्य जाति बिरादरी के व्यवसायियों में भी है। वैश्य समाज से होने के चलते इनकी पकड़ वैश्यों में ज्यादा है। इनको बड़े व्यापारी नेता के तौर पर भी देखा जाता है। ऐसे में 2022 में एक बार फिर रविंद्र जायसवाल की जहां से दावेदारी पक्की मानी जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या यहां की जनता उन्हें तीसरी बार विधानसभा पहुंचाने का मन बना रही है, जिससे वो जीत की हैट्रिक लगा सके। इंडिया न्यूज के लिए वाराणसी से पंकज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तो वहीं जनता ने नेताजी को आखिरकार कैसे सुनाई बात खरी खरी, चलिए अब हम आपको वो भी दिखाते हैं। काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया है और आगे भी बढ़िया करेंगे। अगर 10 में से कितना नंबर देंगे अपने विधायक को? 10 में उनको 8 या 9 देना चाहिए, क्योंकि इसके काम तो उन्होंने कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। कोरोना काल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। ठीक है 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 नंबर में से 6 नंबर देंगे। 6 नंबर देंगे, तब कैसे संतुष्ट हुए आप? 10 में से 6 नंबर दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास है। उनसे मेरा कोई संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि नहीं है, कारण? कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं, यहाँ पे तो तमाम लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, उन्होंने बहुत काम। मंदिर का विकास होने से होगा, गलियों का विकास देखिए, आ जा करके ये नालियों का विकास देखिए, क्या विकास हुआ है मेरे को बताइए आप। नहीं, मेरे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ है। मैं सन्मी बर्णा के पास में हूँ, अत्यंत कॉन्वेंट स्कूल के पास में, मेरे क्षेत्र में तो कोई काम नहीं हुआ। इवन आपके पार्षद से कहने पर वो कहता है कि मेरे से क्या मतलब है भाई। तो चुनाव के समय आते हैं यहाँ, उसके बाद बहुत ज़्यादा इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं। तो सड़क पे कहाँ कार्य हुआ है ये तो आम जनता को नहीं मालूम। पैसा तो आ रहा है, पैसा लगा रहे हैं, हर जगह लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि ये हो रहा है, लेकिन वो चीज़ होने के बाद उस पर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है कि हाँ पार्क बन गया तो फिर से पार्क फिर खराब हो जाए, तो क्या फ़ायदा ऐसा करने से। तो थोड़ा सा इन लोगों को अपने क्षेत्र में रह के काम करना चाहिए। नहीं, हम तो हरा देंगे। नहीं नहीं, हम कुछ इतने देंगे, हम लोगों की कॉलोनी में कुछ भी नहीं किए। पार्क बनवाने के लिए कहे तो भी नहीं बनवाए, नाला नहीं ढकवाए, जो जो कहे थे कुछ भी नहीं किए। हम बहुत संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। हम लोग की गली वाली बहुत अच्छी बन गई है, नहीं तो पहले बहुत उबड़ खबड़ थी, आने जाने में बड़ा परेशानी होता था। VIP रोड है, पार्क की ये स्थिति है, इसको कम से कम देखना चाहिए उनको। कॉलोनी का जो है रोड है उसके बारे में उनको थोड़ा बहुत विकास के बारे में सोचना चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, मैं उनके क्षेत्र का निवासी हूँ और जहाँ मैं खड़ा हूँ, जैसा आपने बताया कि 4,500 करोड़ उन्होंने खर्चा किया अपने विधानसभा क्षेत्र में, मुझे तो नहीं दिखता। आप मेरे मोहल्ले के कॉलोनी के पार्क की स्थिति देख लीजिए, बस से बदतर हो चुकी है। यहाँ अराजक तत्वों का जमावड़ा होता है सुबह शाम। जो बाहर बाहर का दिखने वाला काम है जैसे, तो वो तो होता है, पर अंदर का बेसिक काम नहीं करते ये लोग। भाई हम कहा तो रही, आप हकीकत जब मोहल्ले में घूम के देखवा तब ना आपको पता चली। सर कमाने खाने में आफत है, रोड पर जीने नहीं दे रहे हैं, अब भी उसी तरह भाई पड़ा हुआ है, कहाँ काम दिखाई दे रहा है। हम उनके कार्य से संतुष्टि हैं, क्योंकि इन लोगों के शासन में साफ सफाई की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। रोज कॉलोनी में झाड़ू लगता रहता है, कूड़ा उठता रहता है, पहले तो कभी ऐसा होता नहीं था। गली हमारा एकदम खराब है, गली बढ़िया नहीं बनाया, क्यों नहीं देंगे? हमारा जब हमको खुश रखेंगे तो उनको भी खुश कर रखेंगे। रोड पे ही फैसिलिटीज़ हैं, कॉलोनी में कहीं भी रोड अच्छी नहीं है, गड्ढे हैं, और भी मतलब ये है कि वो कॉलोनी में भी आएँ, कॉलोनी में जो भी प्रॉब्लम है, कूड़े उड़े हैं, तो वो सब भी आके ध्यान दें। और भी उनकी जो अन्य समस्या, चापाकल नहीं है, कभी लाइट कट जाती है तो चापाकल, पानी की बहुत समस्या होती है, तो हमारा तो ये कहना है हमारे कॉलोनी में प्लीज़ आप चापाकल लगवा दीजिए। हम तो कुछ नहीं संतुष्ट हैं विधायक से, हमारे क्षेत्र में कुछ काम कराए नहीं है, पचकोसी में सब वो गली खराब है, ये सब काम नहीं कराया। आप असंतुष्ट हैं? हम असंतुष्ट है एकदम। लाइट भी, बिजली भी, वहाँ खम्भे भी सही से नहीं लगाए, वहाँ पर लाइन का भी दिक्कत है बहुत। तो वहीं तमाम बातों के बीच जनता जानना चाहती है कि आखिरकार नेताजी ने किस तरीके का काम किया है, और साथ ही साथ इस बात को भी जानना चाहती है कि कौन है हत्या और कौन सही है और कौन झूठा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देश पर, उनकी अपेक्षाओं पर बनारस में लगभग 23,000 करोड़ रुपए के विकास काम चल रहे,
उसमें से लगभग 4,500 करोड़ रुपए शहर उत्तरी विधानसभा में लगाए। पूरे उत्तरी विधानसभा का संपूर्ण विकास हो रहा है, एनएच के माध्यम से, पीएलओडी के माध्यम से, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, आवास विकास, इन तमाम एजेंसी के माध्यम से बनारस शहर के लगभग आज 70% सड़कें पूरी पक्की हुई है। लगभग 70% गलियां थी वह पक्की हो गई हैं। वरना यहाँ पर क्या था कि खेतों के अंदर प्लाटिंग हो गए थे, उस प्लाटिंग में अधिकांश जगह मकान में कहीं बिजली नहीं, कहीं पानी नहीं, कहीं काम। सभा के वार्डों में जा रहा हूँ, गली मोहल्ले बस्तियों में जा रहा हूँ, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, एक तो वर्तमान विधायक की बड़ी ही दयनीय स्थिति है, हर पब्लिक उनको खोज रही है कि हमारा विधायक है कहाँ। दूसरी ओर बजबजाती नालियाँ, रोड, खड़ंजा, गली, आप किसी भी मोहल्ले वार्ड में चले जाइए, आप जिस वार्ड में यहाँ आप बैठे हुए हैं, ये वार्ड खजुरी है और यहाँ से मेरे छोटे भाई की पत्नी सभासद भी है, ऐसा मुझे सूत्रों से जानकारी हुआ है कि वर्तमान विधायक हर वार्ड में हर सभासदों को पर बूथ 1,00,000 रुपये विकास के नाम पे विधायक निधि से देते हैं। लेकिन आज 4.5 साल हो गया है, आप विधायक जी से कभी मुलाकात हो तो आप पूछिए कि खजुरी में उन्होंने अपने विधायक निधि से कितना रुपए का विकास काम कराया है। हो रहा है, और अभी अभी पाइपलाइन में 37 करोड़ रुपए सेंक्शन हुआ है। शहर पूरी तरह से जो बांस बल्ली पर, यानी पुराने सरकार का जो पाप था, वह बांस बल्ली के माध्यम से बिजली के तार गए थे। वहां पर एक लड़की ध्यान हो चुका था, पूर्व में विधायक का ध्यान हो गया था, और वह चीजें मैं पिछली विधानसभा विधायक के कार्यकाल में करीब 1200 खंभे हमने अपने पास से बांटे थे। लेकिन आज माननीय योगी जी के निर्देश पर, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, संपूर्ण बनारस बांस बल्ली से मुक्त करके 37 करोड़ रुपए का यह स्वीकृत हुआ है। इसका काम इसी महीने लग जाएगा। कोई विकास नहीं है, मतलब एक वार्ड में 15 करोड़ रुपए का उनके हिसाब से अब तक काम हो चुका है और सामने रिजल्ट है आपके। आने वाला समय है, मार्केट में तो ये भी हल्ला हम लोग सुन रहे हैं कि वर्तमान विधायक का पार्टी टिकट काटने जा रहा है। मैं तो आदरणीय योगी जी और मोदी जी से निवेदन करूंगा कि भाई दो बार वर्तमान में ये विधायक रह चुके हैं, फिर इनको पार्टी लड़ाए और जनता तय करेगी कि 4500 करोड़ खर्चा हुआ है कि 4500 रुपया खर्चा हुआ है। ये आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में जनता खुद जवाब देगी। उसी प्रकार से बनारस जाम की समस्या थी, उसमें फुलौरिया का 4 लेन, यानी कि वाराणसी कैंट के से चले गए पीछे से होते हुए, 2 ओवरब्रिज है रेलवे पर और एक वर्मा नदी पर ब्रिज है। इस प्रकार 300 करोड़ रुपया किया जा रहा है, यह काम भी इसी फरवरी के पहले तक हो जाएगा, उससे शहर की जाम की समस्या समाधान होगा। जहां तक हम बात करते हैं बनारस से, तो बनारस से प्रयागराज का 6 लेन रोड, बनारस से गाजीपुर 4 लेन, बनारस से लखनऊ बाया सुल्तानपुर ये 4 लेन, चारों तरफ यहाँ पर सड़कों का जाल बिछा। हम अगर बात करते हैं शहर के अंदर स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो वहाँ पर चाहे ये अस्पताल का हो, चाहे दीनदयाल अस्पताल महिला वीन का हो, चाहे यहाँ पर सारनाथ में स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, DHU के अंदर कैंसर इंस्टीट्यूट हो, तमाम चीजें यहाँ पर की गई स्वास्थ्य मामले में, सड़कों के मामले में। केवल कागजों में या अखबार में या मीडिया में यह बात कह देना कि 4,500 करोड़ का विकास हुआ है, तो वो 4,500 की जगह 40,000 करोड़ भी बता सकते हैं वो लोग, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है। जिस विधानसभा में 4,500 करोड़ का काम होगा, उस विधानसभा की एक एक गली, एक एक सड़क, एक एक मोहल्ला बोलने लगेगा। और विगत 2017 से और 22 तक जिस तरीके से यह 2 साल पिछला गुजरा हुआ है कोरोना महामारी के दौरान, इसमें तो विधायक जी कहीं दिखे ही नहीं, यदा कदा मौके पर कहीं दिखे कोई सेंटर का उद्घाटन करने, तो वहां जनता ने जब सवाल किया तो विधायक जी ने वहां बाहें चढ़ा ली मारने के लिए और दौड़ाया भी उस व्यक्ति को, यह भी जनता ने सब देखा है। प्रदीप पवार परिवार का सहायता गया, जैसे प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए, जैसे 5 लाख रुपए उनको आयुष्मान का स्वास्थ्य के इलाज के लिए जा रहा है, फिर उनके पास उज्ज्वला योजना, बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, तमाम देखा जाएंगे। तो आप माननीय मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनारस के वह परिवार जो आर्थिक पिछड़े थे, लगभग उनके यहाँ
14-12 करोड़ रुपए का लाख रुपए का एक काम है। और रही बात विकास की, तो विकास सिर्फ कागजों में ही हुआ है और उत्तर प्रदेश सरकार का साल का बजट 5,000 करोड़ का है और सिर्फ उत्तरी विधानसभा में 4,500 करोड़ का बजट लगा दिया विधायक जी ने, तो उनकी काबिलियत को समझा जा सकता है। यह बात लगातार हम लोग बता रहे हैं कि इस उत्तरी विधानसभा के विधायक को इस उत्तरी विधानसभा की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी ही नहीं है जी, ना तो क्षेत्र में जनता के सुख दुख में कहीं दिखाई देते हैं, ये भी प्रमाणित। थोड़ी समस्या जाम की रहती थी, समाधान के लिए बनाया गया है प्लान, उसमें कजारपुरा का ओवरब्रिज है, वह ओवरब्रिज काफी टेक्निकल था, काफी लंबा था, उसको मई तक बनना है, वह जब बन जाएगा तो सड़क जाम हो जाएगा। दूसरा था फुलिया का फोर लेन, फुलिया का फोर लेन 3 स्टेप का काम हो रहा है 300 करोड़ रुपए से, वो दोनों के बन जाने से, जो मेरे विधानसभा में उन दोनों के बन जाने से जो शहर जाम से मुक्त हो जाएगा, ये हम सबके लिए बड़ा इंतजार वाला प्रोजेक्ट है, जल्दी ही बन जाए ये सब लगा गया। और इसी प्रकार से जो नगर निगम पीडब्ल्यूडी विकास प्राधिकरण के साथ में लगातार बैठक करके उनके क्षेत्र में कोई भी ऐसी गली सड़क सीवर ना रह जाए जो कच्ची रह जाए। पूरी जनता कह के थक रही है लेकिन उनका एक काम नहीं हो पा रहा है, ये कैसा राम राज्य है ये जनता की समझ में नहीं आता है। एक गली एक सड़क जो जो जिससे जनता रोज निकल रही है और आना जाना हो रहा है वो कहीं भी ठीक स्थिति में नहीं। तो वहीं जनता इस बार नेताजी से ज्यादा डिमांड कर रही है क्योंकि इस बार लोगों की उम्मीद पहले से ज्यादा बढ़ गई है, आप भी देखिए। तो काम किए हैं, मुझे तो अच्छा ही लगा क्योंकि सड़कें भी अच्छी हो गई है और हॉस्पिटल भी, शिवपुर के जो हॉस्पिटल है मैं वैक्सीन लेने गई थी, बहुत अच्छा लगा। और इतना पहले तो बहुत खंडहर जैसे था लेकिन अब तो बहुत अच्छा हो गया है। 70% और चाहते हैं, क्या चाहते हैं, चाहते हैं क्या, और अच्छी व्यवस्था हो, सड़कें तो अच्छी हो ही गई हैं लेकिन और थोड़ा सा हॉस्पिटल वगैरह में और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि सबके मन में ऐसा हो कि बस वहाँ जाएं और हमें अच्छे डॉक्टर मिले और हमारा अच्छे से इलाज हो। अच्छे हैं, पढ़े लिखे और मृदुभाषी व्यक्ति हैं, राजनीति में ऐसे पढ़े लिखे विधायकों की बहुत आवश्यकता है और उन्होंने तो हमारी सोसाइटी को हमेशा ही सहयोग किया है और काफ़ी काम करा है, जैसा मैम ने बोला कि अस्पताल में काफ़ी काम कराया है या सड़कें अच्छी हैं या और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, तो मैं तो उनसे 100% से खुश हूं। देखिए हम लोग अपने क्षेत्र के विधायक जी से संपूर्ण उनके कार्यों से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। 4,500 करोड़ का जो काम इस क्षेत्र में आया है, क्योंकि माननीय मोदी जी का भी लोकसभा क्षेत्र है और हमारे विधायक जी की जो सबसे सरल चीज़ है वो सजग हैं अपने क्षेत्र के नागरिकों के प्रति और सुलभ भी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक आम नागरिक उनसे अपने बातों को लेके अपनी दिक्कतों को लेके जिस सरलता से उनके पास अप्रोच कर लेता है, मुझे लगता नहीं कि पूर्वांचल में इस तरह का सरल विधायक उपलब्ध होगा। आप देख लें सोलर पोल जो है जो मुहैया कराया गया है विधायक जी के ही सौजन्य से मुहैया कराया गया है, तो ये एक छोटी छोटी पहल है जो कि आप जनता क्या चाहती है, जनता ये छोटी छोटी चीज़ें ही चाहती है। विधायक हमारे इतने प्रबंधकीय गुणों से संपन्न हैं कि हमें लगता है कि इस लोकसभा में शहर उत्तरी को और ज़्यादा अनुदान मिले और ज़्यादा उनको सहयोग राशि मिले तो उनके पास जो प्रबंधकीय गुण है इस उत्तरी विधानसभा को निश्चित तौर पर एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं या उनके सौजन्य से अभी भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अभी कोरोना आया था स्वास्थ्य विभाग में बहुत सी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई जिसकी वजह से आज वैक्सीनेशन पे देखिए तो मैक्सिमम कवरेज किया गया है इस क्षेत्र में, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी कुछ लोग या कुछ जनता ऐसी है जिनके साथ मतलब जिनको कहे मूलभूत पहुंच नहीं पा रहा है, वहाँ पर मैं चाहूँगा कि स्वास्थ्य विभाग के लिए लेकर कुछ ना कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट और चाहिए। हमको जहाँ तक मालूम हमारे विधायक जी एक पैसा सैलरी नहीं लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है और देश में बहुत कम ऐसे विधायक मिलेंगे जो कि जंग के होंगे। और जो पवन जी बताएं कि वह सहज हैं और सुलभ दोनों चीज़ हैं, मैं कई जगहों पे उनको देख चुका हूँ, छोटे से छोटे फंक्शन हो किसी का वहाँ पे अटेंड करना, 10 मिनट के लिए आना, 1 घंटे के लिए आना, 5 मिनट के लिए आना, लेकिन आते हैं, हम लोगों की समस्याओं को सुनते रहते हैं, हम लोग उनसे अवगत भी रहते हैं, जब चाहें तब हम लोग उनसे बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, वो इतना
साधारण सुलभ और कोई हमें लगता है मंत्री होकर के तो नहीं है। होगा 10 में से कितना नंबर देंगे अपने विधायक? 9.9 नंबर देंगे। बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, जानते हैं ना, वो जानेंगे कि कितना चेंज आई है। हम लोग जब पहले इसको खरीदने आए थे इस फ्लैट यहाँ पे, तो रियली रोड्स इतने खराब थे, इतने वो पतले थे कि क्या बताएं, रोड में कुछ नहीं। इसमें कितना नंबर देंगे 10 में से? हम तो देंगे ही, हमें तो कितना नंबर देंगे? 8 या 9 लख लीजिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छे। आप कितना नंबर देंगे? मैं 8 दूंगी। आप कितना नंबर देंगे? देखिए, मैं तो 10 में से 10 नंबर दूंगा। जी, दो काम। चलिए, इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।